जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में संपन्न हुआ। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी के अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, IG जे एन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित SDM और सभी जनपदों के जन सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा नियमानुसार मांगी गई सूचना देना प्रत्येक जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। कोई भी जन सूचना अधिकारी केवल विधिक आधार पर ही सूचना देने से इनकार कर सकता है, लेकिन आवेदक द्वारा आयोग से अपील करने पर जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने का कारण स्पष्ट तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा समय से सूचना न देने पर जन सूचना अधिकारी पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि RTI अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी एक्ट है। इस अधिनियम से आम आदमी को शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में और भी पारदर्शिता आ गई है और देश प्रदेश अच्छे शासन की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण तीसरी कड़ी है। सभी जन सूचना अधिकारियों को अधिनियम की पूरी जानकारी हो जाए, साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार की नियमावली 2015 की जानकारी हो जाए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी जन सूचना अधिकारियों को नियमों की जानकारी देकर यह कोशिश किया जा रहा है कि एक रूपता के साथ जन सूचना के आवेदनों का निस्तारण हो। जो आयोजित है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्रभावी से वर्णित है, जिससे हम सभी का जीवन खुशहाल है। समय के साथ साथ उसी कड़ी में गोरखपुर जनपद के जन स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य सूचना आयुक्त करें। इन्होंने पहले भी यहाँ प्रोग्राम किया है और मैं जो है जो कर्मचारी जो भी हमारे खासकर जन सूचना अधिकारी हैं या जो अपीलीय अधिकारी हैं, अगर इसको एक एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ लें, जो उनके डाउट्स होंगे उस डाउट को आज यहाँ पर क्लियर कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्कशॉप करने के बाद आप लोगों को जो भी डाउट्स खत्म करने के बाद, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे क्षेत्र में चाहे गोरखपुर में हर प्रकार के सूचना को प्रॉपर तरीके से सूचना देने का जिम्मेदारी सही समय पर आप लोग देना शुरू कर दें और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आईजी साहब, जिलाधिकारी महोदय, अपर आयुक्त महोदय, जनपद गोरखपुर के अधिकारीगण, जनपद गोरखपुर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत जन सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं जनपद गोरखपुर के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में नियुक्त जन सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारीगण को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है। जनवरी 2016 से
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक बृहद कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जा रहा है और तब से अब तक प्रदेश के सभी मंडलों के सभी जनपदों में दो बार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। ये दो राउंड इसके कंप्लीट हो चुके हैं और ये तृतीय राउंड चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मेरा सौभाग्य है कि मैं दो बार पहले गोरखपुर आ चुका हूं और इस प्रशिक्षण में मैंने प्रतिभाग किया है और आज तीसरी बार आपके सामने मौजूद हूं। हमारा ये विश्वास है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार हम ला पाएंगे और यह उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी अधिनियम है और मैं क्रांति शब्द का प्रयोग सोच समझ के कर रहा हूं। जब कभी किसी प्रदेश में क्रांति आती है तो व्यवस्था में यथास्थिति में परिवर्तन होता है, स्टेटस को बदलता है और इस बात में किसी प्रकार का कोई शको शुभा नहीं है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने स्टेटस को यथास्थिति को परिवर्तित किया है। शासन प्रशासन तंत्र तथा आम जनता के बीच में जो शक्ति संतुलन था, बैलेंस ऑफ पावर था, उसको इस अधिनियम ने जनता के पक्ष में शिफ्ट किया। इस अधिनियम ने आम व्यक्ति को सशक्त बनाया, एम्पावर किया और उस दृष्टिकोण से यह अधिनियम एक क्रांतिकारी अधिनियम है। सन 2005 से पहले किसी आम आदमी के की कल्पना के परे कि वह किसी सरकारी दफ्तर में जाए और अधिकार के साथ कहे कि फला फाइल के फला पेज की मुझे फोटोकॉपी उपलब्ध कराएंगे, सोच नहीं सकते थे। 2005 से पहले इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासन और प्रशासन तंत्र की दादागिरी थी। आम व्यक्ति का दफ्तर में जाकर के जानकारी प्राप्त करना असंभव था। सन 2005 में इस अधिनियम के आने के बाद यह एक अधिकार स्थापित हुआ है कि शासन प्रशासन तंत्र के दफ्तरों में अभिलेखों में जो सूचना उपलब्ध है उस सूचना तक आम आदमी की पहुंच स्थापित हो। आम व्यक्ति अब उस सूचना को अधिकार के साथ मांग सकता है और हमारा आपका दायित्व है कि उस सूचना को उपलब्ध कराया जाए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य अधिनियम के प्रीएम्बल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हैं। इस अधिनियम का पहला उद्देश्य यह है कि शासन प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। दूसरा उद्देश्य है शासन तथा प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली में जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और तीसरा उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से शासन तथा प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। ये बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो स्पष्ट रूप से इस अधिनियम के प्रीएम्बल में लिखित हैं। अनेकों भाषाओं में आप सुनते होंगे गुड गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी, सुशासन लाया जाए, इसको गांठ बांध लिया।
कि गुड गवर्नेंस की स्थापना बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना करप्शन पर कंट्रोल किए बिना गुड गवर्नेंस की स्थापना संभव नहीं है। और उस दृष्टिकोण से देश और प्रदेश में सुशासन की स्थापना, गुड गवर्नेंस की स्थापना सुनिश्चित करने की दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। एक एडिशनल ड्यूटी हम पे लगती है कि हम दरअसल हमें जन सूचना अधिकारी बना दिए, कार्यभार दे दिए। लेकिन ये बात समझे कि जो आपका नॉर्मल काम कदाचित उस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी। क्योंकि आप अगर सही काम करेंगे, वर्ष से ये ऐप संचालित किया जा रहा है 2005 से 2015 आगे, लेकिन इस ऐप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नियम होने चाहिए, विस्तृत नियमावली, कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स होने चाहिए, वो बनाए ही नहीं गए। तो एक तरह से बिना नियमावली के ये ऐप प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, बहुत बड़ी कमी। उसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने ये पहल इनिशिएटिव दिया कि इस ऐप के सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए नियमावली गठित, नियमावली प्रख्यापित कराई गई। अधिनियम में नियमावली बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई, उसमें आयोग का कोई रोल नहीं। लेकिन आयोग क्योंकि इस ऐप के इम्प्लीमेंटेशन से गहराई के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए आयोग ने यह जिम्मेदारी ली कि इस नियमावली को बनाने और प्रख्यापित कराने में राज्य सरकार को सहयोग दिया। उस दिशा में सबसे पहले नियमावली का एक आलेख आयोग ने तैयार किया, उसको हमने अपनी वेबसाइट पर डाला, जनता से उस पर कमेंट्स इन्वाइट किए, कमेंट्स आए, उनको देखने के बाद में आलेख में संशोधन किए गए। और अंततोगत्वा जुलाई 2015 में आयोग के औपचारिक अनुमोदन के बाद नियमावली का आलेख राज्य सरकार को भेजा गया, इस प्रस्तुति के साथ कि राज्य सरकार अधिनियम के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए इस नियमावली को प्रख्यापित करें। सरकार में कोई नियमावली बनाने की प्रक्रिया जरूर और उसकी वजह से समय लगा, लेकिन अंततोगत्वा हमारे परसू करने के फलस्वरूप को नियमावली राज्य सरकार ने दिसंबर 2015 में अनुमोदित की और दिसंबर 2015 में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित। तब से प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस नियमावली के प्रावधानों के तहत ही कार्यान्वित किया गया। इस नियमावली में प्रयास ये किया गया है कि अधिनियम के तहत सूचना मांगने और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक निर्धारित की, और इस प्रक्रिया में जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको कैसे काम करना है वो व्यवस्था निर्धारित की। और ये नियमावली एक प्रकार से सुनिश्चित करती है कि पूरे प्रदेश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता आ जाए जो पहले नहीं। साथ ही जन सूचना अधिकारी द्वारा महसूस की गई अनेकों कठिनाइयों का निवारण भी इस नियमावली में किया गया। उदाहरण के लिए जन सूचना अधिकारी के पास अनेकों बार इस प्रकार के आवेदन पत्र आते थे जिनको अपने सामने रख करके जन सूचना अधिकारी यह समझता था कि अपने इस पर क्या था, इसको मना करने का कोई प्राविधान एक्ट में दिया नहीं गया और इस सूचना को देना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आपसे अनेकों बार इतनी विस्तृत सूचना मांगी गई जाती थी कि उस सूचना को अगर आप संकलित करना शुरू कर दें तो एक महीने तक अपना काम छोड़ देंगे, केवल सूचना संकलन में रहते, असंभव था उतनी विस्तृत सूचना देना। लेकिन अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था कि यदि एक बड़ी विस्तृत सूचना मांगी गई है इस प्रकार की तो उसको देने से मना कर दिया।
ये बहुत बड़ी कठिनाई थी। इस तरह के अनेकों और इश्यूज थे जो कि आपके सामने आते थे, और आपको ये जानकारी ये कि आप किन कर्तव्य में मूड हो जाते थे कि क्या करूँ इस एप्लीकेशन। इस तरह की समस्याएं पहले भी आई थी और वो उनका संज्ञान हाईकोर्ट से और अथवा सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और कई मामलों में हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूलिंग्स दी थी जिनमें कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने निर्धारित की, और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण रूलिंग है CBSE बनाम आदित्य बंदोपाध्याय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों सिद्धांत स्थापित किए हैं RTI एक्ट के बारे में। तो जो मैं विस्तृत सूचना की बात कर रहा था, बहुत बृहद सूचना आपसे अगर मांगी गई, इस प्रकार के आवेदन पत्रों के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE बनाम आदित्य बंदोपाध्याय केस में जो कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस एक्ट की मंशा ये नहीं है कि इतनी बृहद सूचना मांगी जाए और उपलब्ध कराई जाए कि उस सूचना के संकलन में लोक प्राधिकरण के 75% कर्मचारी अपना 75% समय लगाए और अपना नॉर्मल काम छोड़ दें, ये इस एक्ट की मंशा नहीं है। अभिप्राय यह है कि इतनी बृहद सूचना अगर कोई मांग रहा है तो उसको सूचना देने से मना कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत इस पर्टिकुलर रूलिंग में ले रहा हूँ, लेकिन ये हर एक जन सूचना अधिकारी के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर खुले में रखते हो और वो उसको देख करके निकाल सके सिद्धांत भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी कि इस प्रकार के जितने भी प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में या माननीय उच्च न्यायालय की रूलिंग्स में लेट आउट किए गए, उन प्रिंसिपल्स को हमने दिवाली में नियम के